सेफ सिटी परियोजना संचालित किए जाने के संबंध में एडीजी वुमेन पावर लाइन नीरा रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में सेफ सिटी के संभावित तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त आशीष कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वुमेन पावर लाइन की एडीजी नीरा रावत ने कहा कि सेफ सिटी के कार्य योजना के संबंध में तैयार किए गए प्रस्ताव को शासन से अवगत कराएं, जिससे कार्यों में तेजी लाई जा सके। एम्पावर्ड कमिटीज का गठन किया गया है। इन सभी जगहों पर संबंधित मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में एक एक एम्पावर्ड कमिटी बनी है, जिसमें वहां के संबंधित एसएसपी साहिबान भी उस एम्पावर्ड कमिटी के हिस्सा है। ये एम्पावर्ड कमिटी को सेफ सिटीज के लिए हम लोगों की तरफ से, यानी कि विमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन है सर? एक तो ये बाकी इसका तो पता, बाकी दो कौन सर? एक एक टेम्पलेट दिया गया है, उस टेम्पलेट को बकायदा डीजीपी उत्तर प्रदेश और एसीएस ग्रैंड ने किया है, और उसके बाद ये टेम्पलेट आप लोगों को दिया गया है। इस टेम्पलेट में मोटा मोटा बताया गया है कि किस तरीके से आपके यहाँ पे आपके शहर में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाया जाएगा, और पिंक पेट्रोल गाड़ियों का जाल बिछाया जाएगा, किस प्रकार से पिंक बूथ बनेंगे जिनके ऊपर वायरलेस सेट का जाल बिछाया जाएगा, आपकी लाइन बसेस में सीसीटीवी का जाल बिछाया जाएगा, और इन सबको इंटीग्रेट करते हुए कैसे एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम आपका बनेगा। जो फ्यूचरिस्टिक प्लान ये है कि ये 12 जगह का जो कंट्रोल रूम होगा उसको यहाँ पे लखनऊ कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। इस बाबत एक टेम्पलेट सबको भेजा गया है, एंड दिस वाज वे बैक इन सितंबर में हम लोगों ने ये टेम्पलेट सबको पर उसके बाद हमारे पास मात्र 5 या 6 जगहों से हमारे पास रिपोर्ट आई थी, जिसमें जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी वो कुछ कुछ तरह से अपूर्ण थी, तो इसलिए हम लोगों ने एक मार्च को हम लोगों ने कार्यशाला हमारे ऑफिस में विभिन्न पार्ट आए दस नंबर पर, जिसमें हमारे कंसल्टेंट भी थे और सभी 12 सेफ सिटी जनपदों से नोडल ऑफिसर्स और कंट्रोल टीम्स भी आई थी। कार्यशाला में एक्सप्लेन किया गया कि क्या क्या करना है सेफ सिटी में, किस प्रकार से करना है, ये भी बताया गया कि किस प्रकार से इसको करना है और कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, और इसके बाद भी हम लोग लगातार टच में हैं विद कंसर्न सेफ सिटी प्रपोज सेफ सिटीज कि अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ गए हैं तो हमारे एसआरओ की टीम से वो संपर्क में रहे, और वो है भी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, गोरखपुर, मेरठ और वाराणसी के प्रपोजल्स एडवांस स्टेज में है, और मुझे लगता है अगर 5 to 7 डेज में हमको मिल जाएंगे। मेरी इस वीसी के माध्यम से एक एक से मैं पूछना चाहूंगी, एक एक प्रपोज सिटी से मैं पूछना चाहूंगी, तो मैं एक एक से पूछना शुरू कर देती हूँ। वी कैन स्टार्ट विद गोरखपुर। मैम बीच में फीडबैक मिला मैम, जो टेम्पलेट लखनऊ में हुआ है उसी स्टैंडर्ड में कराने के लिए, उसी स्टैंडर्ड में फिर रिलीज करते हुए हम लोग भेज दिए मैम। जो मोटा मोटा हम लोग लॉजिक जो आपने किए मैम, टोटल 196 लोकेशन में हम लोग सीसी कैमरा प्रपोज कर रहे हैं मैम। ऑलरेडी जो कंट्रोल रूम यहाँ हम लोग का ITMS के अंदर और सेफ सिटी के अंदर जो प्रपोज था उसी कंट्रोल रूम में जुड़ा रहेगा। 196 लोकेशन भी सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने के बाद हम लोग सेलेक्ट किए, खासतौर पर जो कहा वुमेन का फुटफॉल ज़्यादा है, वैसे मार्केटिंग प्लेस है, वैसे पूजा स्थल है, वैसे वुमेन हॉस्टल्स है, हॉस्पिटल्स है, इसी टाइप के लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई किए जो कहा सेंसिटिव पॉइंट्स है। और उसके बाद में पिंक बूथ 29 प्रपोज किए मैं, जो कहा ज़्यादातर जो महिला का जो गैप है, यानी जो नगर निगम से और किसी योजना से हम आचारित नहीं कर पा रहे, उसी का हम लोग आपके यहाँ से वायबिलिटी गैप फिलिंग के रूप से उसको लिए मैम। और तीसरा जो पिंक पेट्रोल के लिए मैम, 10 व्हीकल्स हम लोग 4-व्हीलर के लिए सजेस्ट किए मैम, और छोटी व्हीकल हम लोग का
21 प्रपोज किए मैम, सो दैट जो रिस्पांस टाइम हम लोग का शार्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग जो हमारा 112 और बाकी फोर्स के साथ साथ एड ऑन फोर्स के रूप से रहेगा, रिस्पांस टाइम हमारा कम हो जाएगा उसकी ओर। फिर आशा ज्योति केंद्र पहले से चल रहा है मैम हम लोग का, उसी का थोड़ा विस्तारीकरण चाह रहे थे मैम, ताकि ये पूरा मंडल का हम लोग लोड लेते हैं, गोरखपुर मंडल का आशा ज्योति केंद्र में वो लोग को भी हम लोग ले सकते हैं। और पिंक टॉयलेट और 55 प्रपोज किए मैम, और कुछ जगह लाइटिंग का जरूरत थी वो नगर निगम के GDA से नहीं हो पा रही थी, उसी जगह भी सेलेक्ट किए मैम। टोटल प्रपोजल आपके सामने में 18 करोड़ समथिंग बैठेगी मैम। टोटल प्रोजेक्ट कितने का है? टोटल प्रोजेक्ट आप कब तक भेजेंगे डीएम साहब? मैम मैं कल तक भेज देता हूँ मैम, आप यदि आपको कोई फीडबैक है मैम हम इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो जेम पोर्टल में है उसी के हिसाब से हम टास्किंग निकल करके रख करके भेज देंगे। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है टीम साहब, किडी CCTV कैमरा स्मार्ट सिटी में लगे हुए हैं, उनको भी इसी के साथ इंटीग्रेट करते हुए जहाँ पे नहीं लगे उधर आपके ये वाले लगेंगे सेफ सिटी। सो इट बिकम्स ऑन कन्वर्जेंस मॉडल, अगर आपके स्मार्ट सिटी में मान लीजिए 100 कैमरा लगे हैं और आपके टोटल सेफ सिटी के लिए 250 कैमरा की रिक्वायरमेंट है, तो नाउ यू शुड कम विद अनदर 150 ओनली। एग्जैक्टली मैम, इसमें हम लोग का जो ITMS इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी 100 लोकेशंस का जो पहले हम लोग एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उसके अलावा जो बचा हुआ उसी के उस पर रख रहे हैं मैम, ताकि डुप्लीकेसी ना हो जाए। इंटीग्रेट कराते हुए दोनों साथ ही बनाए हुए हम लोग, ताकि यहाँ जो कवरेज होता है वो हमारा ITMS में कवर नहीं होता है मैम, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कवर, स्मार्ट सिटी में कवर नहीं होता है मैम। सेफ सिटी में जो चीज़ है वो कहीं डुप्लीकेसी नहीं होगा मैम, उसको हम इंश्योर किए देता हूँ, आज ही भेज देता हूँ जिन सारी लेटर्स में हम लोगों ने भेजा है सेफ सिटी टेक्निकल।